रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कैसेग्रेन्स टेलीस्कोप अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लिखने को आता है। ध्यान से समझिए, इसका डायग्राम मैंने और फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है। इसमें दो तरीके के मिरर काम करते हैं, एक होता है प्राइमरी मिरर जो कि कॉनकेव मिरर है और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, इन्फिनिटी से आने वाली रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपके कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। लेकिन फोकस पर ये रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टेड इमेज बने उससे पहले यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर होता है जो कि इसे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर फोकस पर सारी के सारी रेज मिलती हैं और फिर हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब याद आपको ये रखना है कि ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी मिरर का जो फोकल लेंथ है एफ ओ और एफ ई, तो इसी का जो रेशियो होता है यही आपका मैग्निफिकेशन होता है, और माइनस यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज को शो करता है। तो आपको इसे इस तरीके से लिखना है, इन्फिनिटी से आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ इमेज बने उससे पहले ही इसकी जो इमेज होती है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, एंड देन वी गेट अ फाइनल इमेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो इसी तरीके की और भी फिजिक्स के रिविजन ट्रिक्स वीडियोज़ के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।